हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंतानां नमो अरिहंतानां अरिहंतानां नमो अरिहंतानां। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेरा है। शरण ले लो अरिहंतो का, शरण ले लो अरिहंतो का। क्यों करता है ये प्रभु से मरण गिरा नमो हरिहंता हरिहंता। नमो नमो अरिहंतानां नमो नमो अरिहंतानां। अरिहंत परमात्मा महावीर जी क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना, अनंत क्षमा को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वनुनंग सौदर्शीनंग। प्रभु स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं, स्वयं तिर गए हैं, औरों को तार रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीनों लोगों को एक साथ दर्पण की भांति जानते और देखते और कोई हस्तक्षेप नहीं करते। जो जैसा है अपने कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हुए धर्म के लिए, उनके प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उनको धर्म बोध देते हैं, धर्म उपदेश देते हैं, उनको अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की क्षमा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनका शासन, उनका धर्म, उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनका तप आज भी पंचम काल में विद्यमान है। प्रभु की वाणी सुन करके, अमृतमय वाणी सुन करके पंचम काल में भी हम अपने आप को धन्य मानते हुए संसार सागर से पार हो सकते हैं। उस प्रभु की साधना को, ज्ञान को, क्षमा को, मैत्री को अनंत अनंत नमः, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आज भगवान महावीर की अंतिम वाणी उत्तरजन सूत्र में समकृत पराक्रम के ऊपर चर्चा चली हुई है। आज हमारे पास विषय विनयट व्यानंग भंते जीवे किम जनई। हे भंते, भगवान से पूछा कि विनिवर्तना अर्थात विषय वासना के त्याग से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती। सारा संसार विषय वासना में उलझा हुआ है,
हम घूम रहे हैं 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में, चाहे मनुष्य बने, चाहे देव बने, चाहे त्रयंच योनि में गए, चाहे नरक के निरिये बने, मूल विश्व वासना के कारण हम 4 गति में भ्रमण कर रहे हैं। तो भगवान से पूछा गया, प्रभु विनय वर्तना विषय के विरक्त से, विषय वासना से के त्याग कर दे तो उसको किस गुण की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं विनियट्य नायनंग पाव कम्मानंग अकरणाय अब उठिए उपबद्धानंग च निजृणाय पावंग नियत्य तव पच्छा चौरंतंग संसार कंतारंग वी वही। विषय वासना के त्याग से जीव पाप कर्मों को नहीं बांधता। यदि आप विषय वासना का त्याग कर देते हैं तो पाप कर्मों को नहीं बांधता और पूर्व में बंधे हुए कर्मों की निजरा कर लेता है। तदनुसार चतुर्गति रूप इस संसार सागर से वो पार हो जाता है। बहुमूल्य सूत्र है हमारे लिए, आप सबके लिए, संसार मुक्ति का बहुमूल्य सूत्र है विनिवर्तना। मन और इंद्रियों के विषयों से विरक्त होना, विषय विरक्त साधक पापों से निवृत्त हो जाता है। पापों से निवृत्त साधक पूर्व जन्मों में उपार्जित कर्मों को क्षय कर लेता है और 4 गति में संसार सागर से वो पार हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 2 शब्द हैं निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति और प्रवृत्ति, निवृत्ति का अर्थात है किसी कार्य में संलग्न हो जाना, निवृत्ति का अर्थ है किसी कार्य की निवृत्त होना, तद पीछे हट जाना, विषयों में संलग्न होना, उसमें रचना पचना प्रवृत्ति है, विषयों से विमुख होना निवृत्ति है। विषय क्या है? 5 इंद्रियों के 23 विषय, आँख कान नाक जिह्वा रस इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय, ये 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, और इसके साथ लगा है मन, मन के साथ बुद्धि, बुद्धि का संस्कार धारणा परंपरा, इस कारण विषयों से विभक्त नहीं होता। भगवान बार बार कहते हैं कि मनुष्य का जीवन मिल गया परंतु विषय की गांठ इतनी सुदृढ़ है कि विषय से वो विरक्त हो ही नहीं पाता। हम देखो अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं, मैं और आप, अनादिकाल, जिसकी आदि का पता अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञानी भी नहीं हो सके कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, नहीं पता, किसी को नहीं पता। ऐसे चक्कर में भ्रमण कर रहे हैं, पाप किया पुण्य किया, पुण्य किया तो देवलोक चले गए, देवलोक से नीचे आ गए और मनुष्य बन गए, राजा बन गए, सेठ बन गए, सुविधा मिल गई, पुण्य के कारण मिल गया। पाप किया तो मनुष्य छोटी जाती है, जिनके पास सुविधा नहीं होती उन वैसे बन जाते हैं, पाप किया तो पशु योनि में चले जाते हैं जहाँ पाप पुण्य कम है और पाप ज्यादा, पाप ही पाप है तो नरक, सातों नरक में गए। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं, मैं और आप सभी, जहां हमने भयंकर पाप ही पाप किए, सातों नरकों में याद रखें, सातों नरकों में, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सात, और कम से कम 10,000 वर्ष आयु और अधिक से 33 सागरोपम, एक सागर इतना लंबा चौड़ा कि कोई उसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि एक कोस का वो खड्डा बना करके युगलियों के बाल तो बहुत होते हैं, मुलायम होते हैं, उसको काट काट करके उसको भरा जाए, ऊपर सेना चल जाए, फिर एक बाल निकाला जाए 100 वर्ष के बाद, वो कितनी जगह कितना समय लग जाता है, वो एक पल्लेपम में से सागर लंबा, उसको कोई हिसाब किताब ही नहीं। ऐसे 33 सागरोपम नरक में गए हम, और देवलोक में भी गए, पुण्य कमाए, पुण्य और पाप की लंबी कहानी।
ये जो साधना आपको मिल रही है ये पुण्य और पाप के बाहर की साधना है। ना आपको पुण्य चाहिए ना आपको पाप चाहिए, बस केवल एक ये आत्मा का घर से ढल है, मैंने उसमें जाना। यदि आपने इस जीवन में लक्ष्य नहीं बनाया तो उलझते चले जाओ। ऐसा पुण्य भी किया तो देवलोक में गए, ज़्यादा से ज़्यादा हम 21 देवलोक तक जाए, जाए सुख भोगा, नृत्य नाटक में घूमे, अवसराएँ मिली, सुविधा के साधन मिले, फिर वापस आ गए, मनुष्य बने, राजा महाराजा बन गए, युद्ध लड़े, वही विषय वासना में किसी को ठगा, किसी का धन चुराया, किसी से युद्ध लड़ा, पूरे देखो भारत के ऊपर पहले मुगलों ने राज्य किया, अंग्रेज़ों ने किया, इसके पहले कितना किया पुर्तगालियों ने किया, ये सोने की चिड़िया थी, कैसे महमूद गजनी आकर के सब लूट के ले गया, सिकंदर आया वो लूट के ले गया, अंग्रेज आए वो लूट के ले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए, और वो आज कहाँ है, कहाँ सिकंदर, कहाँ मुगले बादशाह अकबर हुमायूं उनकी सेना और पुर्तगाली कहाँ चले गए, सब चले गए। ये मनुष्य की वृत्ति है कि उसको जो मिल जाता है वो समझता है मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, ये नहीं पता कि मुझे भी जाना है। शाह जाने मुमताज महल अपनी पत्नी की यादगार में मुमताज महल बनाए, और मुगल बादशाह जिंदगी भर भोगों के पीछे लग, उनकी एक रानी नहीं होती, 150 कितनी तो रानियां ही होती, और एक हरम होता है उनके ऊपर, सबको अंदर भर लेते हैं, और किसी की आज्ञा नहीं होती कि वो उनको कोई देख भी सके, ऐसे वो जीते हैं लोग, और नशा पता शराब सब कुछ खाते पीते और देश पर शासन करते हैं और आके चले जाते हैं। मुमताज कहते हैं जब वो मरी पता कितने बच्चे थे, 14 बच्चे उसने पैदा किए, 14 बच्चे में डिलीवरी में उसकी जान चली गई, जान चली गई। कैसा इंसान पागल है, और एक पत्नी तो 14 बच्चे, और कितनी पत्नियां थी, क्या हिसाब किताब है। और कहते हैं जब मुमताज गई तो उसने बुलाया, वैदा किया था कि ऐसा मकबरा ऐसा बनाना है कि दुनिया में कोई ऐसा बना ना सके, और मेरे जाने के बाद शादी मत करना, दो वैदे उसने लिए थे। कहते हैं एक वैदा तो पूरा कर दिया, मुमताज महल बना दिया, बहुत 22 वर्ष लगे उस मुमताज महल बनाने के लिए, 22 वर्ष, और 22,000 लोग काम करते थे मजदूर, 22,000 और पूरे भारत विश्व से ला करके वो हीरे जवाहरात नगन उसमें जड़े हुए थे। आज वो ताजमहल देखो तो कुछ नहीं है, सब लूट गए, अंग्रेज ले गए, हीरे जवाहरात निकल गए, वो कुछ नहीं है आज जहाँ के देखो, वो कैसा बनाया। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, जड़ में जीव, जीव भिन्न जड़ भिन्न, दो तत्व जुदा जुदा है। मैं जीवात्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्त मना,
आत्मा निराकार है, उसका आकार नहीं है। ऐ गुरु लघु, आत्मा का वजन भी नहीं है। सत्य है, क्षायक संकेत आत्मा, और यही आत्मा सिद्धा ले जाएगी। ये आपके भीतर गुण है, अपने भीतर गहन मान और शांति का अनुभव करें, सत्य का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार स्वयं को महत्व दें। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें और अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोय सप्साहूनंग, धम्म मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावीतंग, नमो शांति जस धम्मे से आमनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पानातो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण दुख स्पॉन्सर्ड बाय सुदर्शना जैन, राजेश एंड पम्मी जैन, खार वेस्ट मुंबई, मान एल्यूमिनियम लिमिटेड। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।